कर्नाटक में जीत पर विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2024 में केंद्र में कांग्रेस आएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की। शनिवार को किशनगढ़ ब्लॉक के सभी कार्यकर्ता तोप सर्किल पर एकत्रित हुए और आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी। विधायक दीपचंद खैरिया ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोगों ने भाजपा के ध्रुवीकरण की राजनीति को पूरी तरह ठुकरा दी है। विधायक ने कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कर्नाटक के मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल से अब देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएगी। विधायक ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों ने भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति को पूरी तरह ठुकरा दी है। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत से साबित हो गया है कि देश में भाजपा के खिलाफ हवा चल पड़ी है। उन्होंने कहा है कि देश में अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। खुशी व्यक्त करते हुए विधायक दीपचंद खैरिया, प्रधान बीपी सुमन, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, शहर अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, पूर्व सरपंच अजय चौधरी, पार्षद धीर सिंह मेघवाल, राजेंद्र सिंगल, उमेश यादव, नवीन खैरिया, त्रिभुवन शर्मा, सूरज भान भड़ाना, अज्जू खान, मनोज व्यास, पूर्व सरपंच फकीर चंद, बाबूलाल पार्षद, महेश वाल्मीकि, सुनील, संस्कार अग्रवाल, रविंद्र, बाबूलाल, कैलाश सिंधी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, दीपचंद खैरिया जिंदाबाद, ऐसा नेता नहीं मिलेगा, दीपचंद खैरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।